हेलो गाइस, आई वेलकम यू टू माय चैनल एसएस फाउंडेशन। तो आज हम क्लास 10th फुटप्रिंट विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम द मिडनाइट विजिटर है, उसका आज हम डिटेल समरी करेंगे। समरी शुरू करने से पहले मैं इस चैप्टर का आपको चैप्टर स्केच बता देता हूँ। ऑजबल अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ऑजबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट रहता है, उसको आज बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाला रहता है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, जो दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स रहता है, थ्रेटेंड हिम विद पिस्टल, उसको पिस्टल से डराता है, डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उससे रिपोर्ट मांगता है। दिस स्टोरी टेल्स हाउस ऑजबल आउटविस्ट मैक्स बाई मेकिंग अप कन्विंसिंग स्टोरी। ये स्टोरी में यह बताया गया है कि कैसे ऑजबल अपने चालाकी से मैक्स से अपना पीछा छुड़ाता है एक स्टोरी बनाकर। अबाउट दी कैरेक्टर, चलिए इस स्टोरी में जो जो कैरेक्टर है उसके बारे में देखते हैं। इस स्टोरी में तीन कैरेक्टर है, एक ऑजबल है, एक फ्लोअर है, एक मैक्स है। ऑजबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट रहता है, ठीक है, और फ्लोअर जो कि एक यंग एंड रोमांटिक राइटर रहता है, और मैक्स जो राइवल सीक्रेट एजेंट रहता है, जो कि ऑजबल से वो रिपोर्ट छीनना चाहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑजबल वॉज अ स्मार्ट सीक्रेट एजेंट। ऑजबल जो कि एक स्मार्ट सीक्रेट एजेंट रहता है, बट डिड नॉट लुक लाइक वन, लेकिन वो सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं दिखता है एट ऑल, बींग शॉर्ट एंड वेरी फैट, क्योंकि वो बहुत छोटा और मोटा रहता है। फ्लोअर वॉज अ यंग राइटर हु वॉन्टेड टू राइट अबाउट ऑजबल। फ्लोअर एक यंग राइटर रहता है जो ऑजबल के बारे में लिखना चाहता है। एंड सो स्पेंड एन इवनिंग विथ हिम, इसलिए वह एक शाम उसके साथ बिताता है। फ्लोअर वॉज फीलिंग डिसअपॉइंटेड, फ्लोअर डिसअपॉइंटेड फील करता है। सो फार एज ही कुड नॉट फाइंड एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सीक्रेट एजेंट इन ऑजबल, क्योंकि उसे ऑजबल में कोई भी सीक्रेट एजेंट का गुण नहीं दिखता है। वेन बोथ ऑजबल एंड फ्लोअर इंटर द ऑजबल होटल रूम, जब दोनों ऑजबल और फ्लोअर ऑजबल के होटल रूम में जाते हैं, अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, जो दूसरा सीक्रेट एजेंट जो रहता है मैक्स, वॉज वेटिंग इन द रूम, रूम में वेट कर रहा था विथ एन ऑटोमेटिक पिस्टल, एक पिस्टल के साथ पॉइंटेड एट देम, उन पे ताने हुए। मैक्स वॉज देयर बिकॉज ही हैड कम टू नो दैट ऑजबल वॉज गोइंग टू रिसीव एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट अबाउट सम न्यू मिसाइल्स दैट नाइट, क्योंकि जो मैक्स था उसको मालूम था कि आज रात जो ऑजबल है उसको एक सीक्रेट रिपोर्ट मिलने वाला है, जो कि कुछ नए मिसाइल्स के बारे में है। मैक्स थ्रेटेंड टू शूट इफ ऑजबल ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, जो मैक्स है उसको ऑजबल को डराता है कि अगर तुम चालाकी करोगे तो मैं तुमको शूट कर देता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। इंश्योर द रिपोर्ट एंड सेफ्टी एज वेल ही ऑन एंड द राइटर सेफ्टी, वो रिपोर्ट को बचाने के लिए अपने और राइटर की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ऑजबल इन्वेंटेड ए स्टोरी, ऑजबल एक कहानी बनाता है अबाउट एनी बडी इंटरिंग हिज रूम इजी थ्रू अ बालकनी, वो बताता है उसको कि मेरे रूम में कोई भी बालकनी से आसानी से घुस सकता है, जस्ट बिलो द विंडो इन हिज रूम, जो कि उसके रूम के विंडो के नीचे हैं। एक्चुअली देर वॉज नो बालकनी, लेकिन वास्तव में नीचे कोई बालकनी नहीं था। इफ एनी बडी क्लाइंब्ड, अगर कोई उस पर चढ़ेगा, आउट फ्रॉम द विंडो, विंडो से ही कुड फॉल टू हिज डेथ, और वो गिर के मर सकता है। एज द रूम वॉज ऑन द सिक्स फ्लोर, क्योंकि रूम जो था वो छठे माले पे था। हाउ एवर मैक्स टोल देम दैट ही हैड इंटर द रूम थ्रू द डोर यूजिंग अ पास की, लेकिन मैक्स बताता है उन लोगों को कि उसने इस रूम में पास की से घुसा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सडनली देयर वॉज ए नॉकिंग ऑन द डोर, कुछ समय बाद डोर पे एक नॉकिंग सुनाई दिया। एन ऑजबल पेंटेंटेड दैट इट वॉज द लोकल पुलिस, और ऑजबल बताता है कि ये लोकल पुलिस है, हु हैड बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड हिम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, जो ऑजबल उनको बुलाया था उनको सिक्योरिटी देने के लिए, फॉर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ही वॉज अबाउट टू रिसीव, जो कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो आज उसको मिलने वाले है उसके लिए। वेन द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, जब नॉकिंग रिपीट होने लगा, मैक्स बिकम एंग्री, मैक्स एंग्री हो गया एट ऑजबल ऑजबल पर, एंड डिसाइडेड टू वेट, और वे वेट करना के लिए सोचा इन द बैल्कनी में, अंटिल द पुलिस वेंट अवे, जब तक पुलिस वहाँ से चला ना जाए। ही स्टेप्ड इट आउट ऑफ द विंडोज एंड फेल टू हिज डेथ, और वह क्या किया कि विंडोज से बैल्कनी में उतरा, लेकिन वहाँ पे बैल्कनी तो था नहीं, वो नीचे गिर के मर गया। वेन द डोर ओपन, जब डोर खुला, अ वेटर केम इन विथ ड्रिंक विच ऑजबल हैड ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड टू हिज रूम वेन ही हैड रिटर्न टू द होटल। ये वेटर था जो एक ड्रिंक लेकर आया था, जो ऑजबल जब होटल रूम में आया था उस वक्त वो ऑर्डर किया था। तो अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा था, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।